हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेहद शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पे है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होगा सारा कॉन्सेप्ट मैं भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए पहले। फिर से मैं एक बात पुरानी बातें रिकॉल करना चाहूँगा कि अभी मैं जिस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहा हूँ वैसे क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। सो आप कोशिश क्या करिए कि वीडियो को एंड तक देखिए और कोशिश करिए कि हर बात को हर चीज़ को समझने का। मैथमेटिक्स कोई रटने की चीज़ नहीं होती, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को बखूबी अपने अंदर उतार लिए तो समझ लो आपका जग जीत लिया, आपने जग जीत लिया। मतलब ये सेंस यह कि आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जान जाओगे। कब? जब कॉन्सेप्ट सीखोगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी बातें हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। एक वर्ड आया है यहां पर ट्राइसेक्शन, और किसका कोऑर्डिनेट मालूम करना है? कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the points A 2-2 and B -7.4। तो हमें पता लगाना है कोऑर्डिनेट। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इसको मिला दिए। मिलाने के बाद क्या हो रहा है, इसको एक तीन पॉइंट है जो उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, उस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। मतलब यह कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता लगाना है कि वो ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए इसका फिगर पहले देखते हैं फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ये ए मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 2-2, और ये आप बी मान लो, ये कोऑर्डिनेट है -7.4। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। ट्राइसेक्ट इन द सेंस यह कि तीन इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट हो गया और ये दो पार्ट और ये तीन पार्ट, तीन इक्वल पार्ट हुआ। देखिए तो जरा इसको मान लीजिए P, ये मान लीजिए Q, तो P का भी कोऑर्डिनेट मालूम करना है और Q का भी कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो कहने का सेंस क्या है कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q ट्राइसेक्ट AB इन थ्री इक्वल पार्ट्स। बातें समझ में आ रही है ना? तो थ्री इक्वल पार्ट्स का बांटने का मतलब क्या हुआ कि सब एक एक यूनिट होगा, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट। बातें समझ में आ रही है? यहां पे P और Q जो देख पा रहे हो, P और Q AB को क्या 1:1 में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्राइसेक्शन की बात हो रही है। और साथ ही हमें मालूम करना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बेहद इंपॉर्टेंट भी है। यह जरूर बात याद रखिएगा, ट्राइसेक्शन जब भी बोलेगा तो समझ लेना कि तीन इक्वल पार्ट में। देखिए ना, तीन इक्वल पार्ट में हो गया। क्लियर है? चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट P जो हमें मालूम करना है और पॉइंट Q मालूम करना है, पॉइंट P और पॉइंट Q मालूम करना है, तो आप जरा सोचिए क्या हमारा यहां पे पॉइंट P AB को किस रेशियो में बांटेगा। 1:2, P जो है ये P, P का कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो पॉइंट P AB को ये 1 और ये कितना पार्ट, 2 पार्ट, यानी 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। कौन? पॉइंट P AB को 1:2 में डिवाइड करेगा। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए देखिए यहां पे, यहां लिख लेते हैं क्या, लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो 1:3। ठीक है, जब वह सॉरी 1:3 करा, 1:2, P जो हो गया AP 1 और PQ क्या होगा 1:1:2, 1:2 पार्ट में। समझ में बता रही है ना? P AB को किस रेशियो में, था P इतना, P यहां पे यानी AP 1 हो गया, P यहां पे यानी PB क्या हुआ 1:1:2, तो P जो है AB को कितने रेशियो में, 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि ये M हो जाएगा और ये क्या होगा, N हो जाएगा। तो आराम से हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे क्या, बाई यूजिंग, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि x इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन।
और वाई कोऑर्डिनेट हम मालूम कर देते हैं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। याद करिए बचपन में यही ना था, x फाइंड करना है तो एम एक्स टू प्लस एम एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, वाई कोऑर्डिनेट मालूम करना है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। क्लियर है बातें, गौर फरमाइए। तो अभी मैंने कहा ना कि ये m हो गया, ये n हुआ, और ये आपका x1 और ये y1, ये मान लीजिए x2 और ये y2। क्लियर बात है। अब जरा गौर फरमाइएगा, एम एक्स टू तो m हो गया आपका 1, x2 क्या हो गया देखिए जरा, x2 आपका हो गया माइनस सेवन, प्लस एन एक्स वन तो n क्या हुआ 2, और x1 क्या हुआ आपका देखिए 2 बाई एम प्लस एन मतलब वन प्लस टू। अब इसी को तो सॉल्व कर देना है, तो माइनस सेवन प्लस फोर बाई थ्री, तो माइनस सेवन और प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई थ्री, कैंसिल होके क्या आया माइनस वन, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या आ गया माइनस वन। अब मालूम करना है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए सिंपल सी बात, एम वाई टू तो एम कितना हो गया वन, वाई टू क्या हुआ देखिए वहां फोर, प्लस एन वाई वन, एन क्या हुआ टू, और वाई वन हमारा क्या हुआ माइनस टू बाई एम प्लस एन, तो वन प्लस टू। सॉल्व करेंगे, फोर वन जा फोर, टू टू जा फोर बाई थ्री, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर माइनस फोर यानी जीरो बाई थ्री, क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमें आ गया क्या माइनस वन, वाई कोऑर्डिनेट आ गया जीरो, यानी कि पी का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा क्या चीज माइनस माइनस वन कॉमा जीरो। बातें समझ में आ रही है, पी का आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्यू का कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो सेम वही पुरानी बात, पॉइंट पी पॉइंट क्यू डिवाइड ए बी इन द रेशियो। अब देखिए तो पॉइंट क्यू ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो पॉइंट क्यू यहां पे है और ए यहां है बी यहां है यानी ए बी, तो क्यू से पहले कितना है वन वन टू, तो m का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज 2 और रेशियो क्या हो जाएगा ये n 1 हो जाएगा। देखिए फिर से q की बात हो रही है ना, पॉइंट q का कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो पॉइंट q से पहले जो भी है नंबर उसको ऐड कर लीजिए 1 1 2, उसके बाद क्या है 1, तो 2 is to 1। पॉइंट p जो है 1 is to 2 और पॉइंट q ab को 2 is to 1 में, यानी ये आपका m हो गया और ये n हुआ। फिर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, एम एक्स टू तो m हो गया 2, x2 क्या हो गया आपका माइनस सेवन, प्लस एन एक्स वन तो 1 इंटू क्या 2 बाई एम प्लस एन, तो एम प्लस एन मतलब हो जाएगा मेरे को 2 प्लस 1, नीचे दिख रहा होगा, चलिए माइनस 14 प्लस 2 बाई 3, ऐड करिएगा माइनस 12 बाई 3 यानी कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 4, उम्मीद दिख रहा होगा। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया माइनस 4। अब फाइंड क्या कर देना है, वाई कोऑर्डिनेट मालूम करना है, सेम वही बात, वाई कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो एम वाई टू तो एम हो गया 2, वाई टू कितना 4, प्लस एन वाई वन, एन हमारा 1 और वाई वन क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई एम प्लस एन, तो 4 दूना 8 2 गए 2 बाई 3 कितना हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 बाई 3 कितना यानी 2, ये आ गया हमें क्या चीज माइनस 4 कॉमा 2। और इस तरीके से हमें आ गया पॉइंट P एंड पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट, यानी ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट जो मेरे को आ गया माइनस 1 कॉमा 0 एंड माइनस 4 कॉमा 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने मैंने पेश किया, उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कल अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हाजिर है और आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन देखने के बाद आप ज़रूर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम का है। बिल्कुल मैं फिर से पुरानी बात को रिकॉल करूंगा कि मैं अभी वैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहा हूं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में ही पूछा जाएगा, आपके फाइनल बोर्ड में भी पूछने की संभावना है। आप जितने भी सैम्पल पेपर उठा कर देख लो,
प्रीवियस सिक्स का क्वेश्चन एक स्टार उठाकर देख लो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। सो वही तो कहने का सेंस तो समझ रहे हो कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्वेश्चन के हर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी आप मैथमेटिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है फिर सॉल्यूशन देखते हैं। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। फिर कह रहा है इट बिकम्स वन बाई टू, इट हुआ है फ्रैक्शन के लिए, इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। याद करिए हमने बचपन में कहा था कि जब भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन हो और आपसे जो फाइंड करने को कह रहा है वो अज्यूम कर लो, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो हम मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। और याद करिए फ्रैक्शन जब x बाई वाई माने हैं तो x को न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब न्यूमरेटर आपका हो गया x एंड डिनोमिनेटर हो गया आपका y। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कर रहा है इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, वन किस में ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, आइए ऐड करते हैं, न्यूमरेटर x है वन ऐड कर दिए, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना वन, तो डिनोमिनेटर क्या है y, तो y में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिए तो फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन कम होकर कितना हो जाता है रिड्यूसेंस टू वन, कितना फ्रैक्शन होता है वन हो जाता है, ये हो गया इक्वेशन। बातें समझ में आ रही है, न्यूमरेटर में एक ऐड किया जा रहा है, डिनोमिनेटर में एक माइनस किया जा रहा है, तो मेरे को फ्रैक्शन वन हो जा रहा है। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देंगे तो एक्स प्लस वन इक्वल वाई माइनस वन, तो आपका क्या होगा एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस वन माइनस वन, देयरफोर आपका इक्वेशन हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस टू, इक्वेशन वन। क्लियर है बातें ऑल्सो। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या कर रहा है इट बिकम्स वन बाई टू, इट बिकम्स वन बाई टू मतलब क्या, फ्रैक्शन एक बाई दो होता है कब, इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में एक प्लस करते हैं, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ नहीं किया जा रहा है, तो न्यूमिनेटर रहने दीजिए, डिनोमिनेटर क्या केयर कर रहे हैं वन प्लस कर रहे हैं। देखिए इट इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक प्लस करते हैं तो मेरे को फ्रैक्शन क्या कर रहा है वन बाई टू हो जा रहा है, क्वेश्चन में देखिए वन बाई टू हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देंगे तो टू एक्स इक्वल क्या हो जाएगा वाई प्लस वन, तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई इक्वल वन, इक्वेशन टू। क्लियर है बातें। अब यहाँ पे क्या करना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो हमारा इक्वेशन वन क्या है गॉड फॉर्म आ सकते हो x माइनस वाई इक्वल माइनस टू, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है टू एक्स माइनस वाई इक्वल वन, माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, दिस विल कैंसिल, क्या आ जाएगा x में से टू एक्स किया दिख रहा है, x में से टू एक्स किया क्या हो माइनस एक्स, डेट इक्वल माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पता चला कि x का वैल्यू मेरे को क्या आया थ्री। क्लियर बात है। और जब x जी यहाँ पे मेरे को क्या आया यहाँ ले जाता हूँ ठीक है x इक्वल मेरे को आया थ्री, और जब x का वैल्यू थ्री आ जाता है तो आप y भी फाइंड कर सकते हो, तो इक्वेशन वन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमारा क्या है x माइनस वाई इक्वल माइनस टू, एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस टू, एक्स का वैल्यू मेरे को क्या आया है थ्री, तो थ्री पुट कर देंगे थ्री माइनस वाई इक्वल माइनस टू, तो माइनस वाई इक्वल माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसिल वाई इक्वल क्या आया फाइव, यानी कि मेरे को एक्स आ गया थ्री एंड वाई आ गया फाइव। ये तो सॉल्व करना इजी है, मेन होता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, हाउ टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। ओके अब हमें फ्रैक्शन मालूम करना है तो सिंपली लिख देंगे क्या फ्रैक्शन x बाई वाई इक्वल एक्स हो गया थ्री और y हो गया फाइव, और इस तरीके से हमारा ये आंसर होता है। तो
तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई तो फिर से वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।